तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रमी कल्चर ऐप में पॉइंट्स रमी गेम कैसे खेलना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को लाइव प्रूफ रियल पैसों से पॉइंट्स रमी गेम खेलकर दिखाने वाला हूँ और पॉइंट्स रमी कैसे खेलना है इसकी पूरी जानकारी भी बताने वाला हूँ। तो बस दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर फ्रेंड्स, लेना। अगर आप भी रमी कल्चर ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रमी कल्चर ऐप को ओपन करके रखा है। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पॉइंट्स रमी गेम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कैश गेम, आप देख सकते हो कैश गेम टूर्नामेंट और यहाँ पे है प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आपको कैश गेम में आना है और यहाँ पे आपको पॉइंट्स रमी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस पे क्लिक करके आप पॉइंट्स रमी गेम खेल सकते हो। तो लेकिन दोस्तों, गेम खेलने के लिए यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में 171 रुपीज जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस पैसे से यहाँ पे मैं पॉइंट्स रमी गेम खेलकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, पॉइंट्स रमी गेम खेलने के लिए बस आपको कैश वाले ऑप्शन पे आना है, पॉइंट्स वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। आप देख सकते हो पॉइंट्स रमी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी दोस्तों, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कितने प्लेयर में खेलना चाहते हो, जैसे कि 2 प्लेयर है, 6 प्लेयर है, आपको जितने भी प्लेयर में खेलना होगा बस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 प्लेयर में सिलेक्ट करके आप सभी को दिखा देता हूँ, लास्ट में 6 प्लेयर में भी आप सभी को खेलकर दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो 2 प्लेयर में मैंने सिलेक्ट किया। अभी दोस्तों, यहाँ पे आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे जो है मैं 1 रुपए वाला पॉइंट रमी गेम खेलने वाला हूँ, इसके लिए 1 रुपए वाले पे यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने 2 प्लेयर में 1 रुपए पॉइंट वाला गेम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अभी दोस्तों, सामने वाला प्लेयर जैसे ही आ जाएगा तो हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अभी तक दोस्तों सामने वाला प्लेयर आया नहीं है, इसके लिए हमारा गेम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हो सामने वाला प्लेयर आ चुका है और हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, हमें जो है 4 नंबर मिला है और सामने वाले को 5 नंबर, यानी कि पहला चाल जो है सामने वाले का रहेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 13 पत्ते यहाँ पे बांटे जा चुके हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एक हमें प्योर सिक्वेंस आया है, आप देख सकते हो प्योर सिक्वेंस आया है। और दोस्तों, आप देख सकते हो दूसरा हमें यहाँ पे एक जोकर है, आप देख सकते हो इस तरीके का हमें एक जोकर है। तो इसे यहाँ पे मैं इस अनप्योर सिक्वेंस यहाँ पे बना लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पत्ता मिल रहा है, तो इस पत्ते को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती से यहाँ पे ये पत्ता हमारे पास पहले से ही था, तो हमने ये पत्ता ले लिया है। तो इस पत्ते को वापस मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने पत्ते को वापस डिस्कार्ड कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जितना भी पॉइंट रहेगा उसके हिसाब से आपका पॉइंट जो है चला जाएगा। आप देख सकते हो अभी वापस एक पत्ते को खींच लिया, आप देख सकते हो ये पत्ता भी हमारे पास पहले से ही था, वापस आ चुका है। तो इस पत्ते को भी यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा इतना पॉइंट काउंट हो जाएगा। आप देख सकते हो सामने वाला प्लेयर अगर यहाँ पे विन कर लेता है तो हमारा इतना पॉइंट चला जाएगा, जैसे कि एक प्योर सिक्वेंस और एक हमने जोकर डाल के बना लिया है। लेकिन दोस्तों, हमें एक और यहाँ पे बनाना पड़ेगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला पत्ता तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो इस पत्ते को भी मैं यहाँ पे इस पत्ते को रख लेता हूँ और 10 नंबर वाले पत्ते को डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा 3 का सेट हो सकता है। तो दोस्तों, 13 पत्ते को पूरी तरह से आपको सेट करना है, तभी दोस्तों आपका विनिंग होगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस वाले पत्ते को ले लेता हूँ और आप देख सकते हो हमें एक 3 का सेट हो चुका है। तो अभी जो ये वाला पत्ता यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार हमने जो इस पत्ते को डाला था तो सामने वाले को नहीं लगा था, लेकिन इस बार दोस्तों आप देख सकते हो सामने वाला प्लेयर जो है इस पत्ते को ले चुका है, आप देख सकते हो ले लिया है। अभी आप देख सकते हो वापस हमारा चाल आ चुका है, तो यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ और यहाँ पे ए वाला पत्ता आ चुका है। तो अभी दोस्तों, ये जो ये पत्ता है इसे यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अभी आप देख सकते हो एक हमारा 3 का सेट है, एक प्योर सिक्वेंस है और एक जोकर है। लेकिन दोस्तों, जोकर हमें कहाँ पे डालना होगा, अनप्योर सिक्वेंस पे। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारा एक जोकर डाल के हमने अनप्योर सिक्वेंस भी बना लिया। इस पत्ते को यहाँ पे डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो हमारा सिर्फ इतना पॉइंट बचा है। आप देख सकते हो सामने वाला प्लेयर अगर गेम को शो भी कर देगा तो हमारा सिर्फ इतना पॉइंट जाएगा, 10 पॉइंट जाएगा, 10 पॉइंट का 10 रुपया हमारा लॉस्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये वाला पत्ता भी यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर देता हूं। अभी आप देख सकते हो जैसे हमारा ये वाला प्योर सिक्वेंस नहीं तो 3 का सेट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा गेम जो है यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। अभी आप देख सकते हो पत्ता खींच लेता हूँ, आप देख सकते हो जोकर आ चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा ए वाला प्योर सीक्वेंस भी, यानी कि जोकर डाल के हमने सीक्वेंस बना लिया। अभी इस पत्ते को आपको इसे उठाना है, बस शो करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे यस शो शो कर दिया। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्लेयर का सामने वाला प्लेयर जैसे ही डिक्लेयर कर देगा हमें, आप देख सकते हो 4 पॉइंट दिया था, 4 पॉइंट का 4 रुपया हमें मिल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको लीव टेबल करके यहाँ से आपको गो टू लॉबी करके यहाँ पे बैक आ जाना है। इस तरह से दोस्तों आप जो है 2 प्लेयर में पॉइंट्स रमी गेम खेल सकते हो। अभी मैं आप सभी को वापस यहाँ पे पॉइंट्स रमी में आ जाता हूँ,
इस बार 6 प्लेयर सिलेक्ट करूंगा और आप देख सकते हो 1 रुपए पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने 1 रुपए पॉइंट्स वाले गेम को यहाँ पे वापस प्ले कर दिया है। जैसे ही दोस्तों ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो 6 के 6 प्लेयर यहाँ पे टेबल पे आ जाएंगे तो हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सेम टू सेम वही रूल रहेगा, आपको यहाँ पे भी सभी को 13-13 पत्ते दिए जाएंगे। बस यहाँ पे भी आपको 13 पत्ते को सेट करना है। तो दोस्तों 13 पत्ते को किस तरह सेट करना है इसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं, तो वहां पे आप उस वीडियो को देखकर रमी गेम खेलना सीख सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो यहां पे मैं शॉर्ट कर लेता हूं। अभी इस बार दोस्तों आप देख सकते हो हमें यहां पे 2 जोकर आए और दोस्तों आप देख सकते हो एक जो है यहां पे हमें ये आप देख सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी हमें एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं आया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें प्योर सीक्वेंस का एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन है, 2 जोकर है और एक यहाँ पे आप देख सकते हो जोड़ी है, लेकिन दोस्तों हमें एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है। इसके लिए दोस्तों इस गेम को जो है मैं खेलना चाहूंगा तो मेरा जो है 80 रुपीज का लॉस्ट हो सकता है अगर प्योर सीक्वेंस नहीं होगा तो। इसके लिए दोस्तों इस गेम को यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ड्रॉप एंड मूव। तो दोस्तों ड्रॉप करने पर आपका 20 रुपया जो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप का 20 पॉइंट यहाँ पे जाता है और आपका 20 रुपया जो है 20 पॉइंट का 20 रुपया यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए पॉइंट्स वाला गेम जो है यहाँ पे हमने खेला है। अभी आप देख सकते हो मैंने ड्रॉप एंड मूव किया, इसके लिए वापस यहाँ पे हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो नेक्स्ट टेबल पे हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस बार दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैं शॉर्ट कर लेता हूं और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमें एक भी जोकर नहीं आया है और यहाँ पे आप देख सकते हो प्योर सीक्वेंस भी नहीं है। आप देख सकते हो एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है और एक भी यहाँ पे जोकर नहीं है। तो इस गेम को भी दोस्तों यहाँ से मैं ड्रॉप करने वाला हूं। तो दोस्तों आपको ड्रॉप कभी करना है, जब तक दोस्तों आपका चाल नहीं आएगा तब तक दोस्तों आपको गेम से बाहर नहीं निकलना है। अगर दोस्तों यहाँ से मैं बीच में से ही बाहर निकल जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्लेयर का चाल है और अभी मैं इस गेम से लीव करके एग्जिट लॉबी करके बाहर आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 80 रुपीज यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों कभी भी आपको टेबल से बाहर होना होगा यानी कि दोस्तों आपको गेम खेलना नहीं होगा, इस गेम को ड्रॉप करना है और आप गेम से बाहर होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले गेम को ड्रॉप करना है, उसके बाद आपको एग्जिट लॉबी करके यहाँ पे बाहर आ जाना है, नहीं तो दोस्तों आपको 80 रुपीज यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर आप ज्यादा पैसा वाला गेम खेल रहे हो तो आपका ज्यादा पैसा यहाँ पे माइनस हो सकता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से मैं ड्रॉप एंड स्टे कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ड्रॉप एंड स्टे किया, अभी आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लीव टेबल करके यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ से आप आ सकते हो बैक। आप देख सकते हो अभी मैं मेन मेन्यू पे आ चुका हूँ और हमारा सिर्फ 20 रुपया ड्रॉप का यहाँ पे माइनस हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है रमी कल्चर गेम में पॉइंट्स रमी गेम खेल सकते हो और पैसा विन कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।